नमस्कार एन स्टूडियो में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज सिंह सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय मैं आज आपको एन के डी प्रोग्राम के अंतर्गत पाठ्यक्रम 504 में पाई चार्ट या वृत्त चित्र से कहते हैं इसके बारे में वार्तालाप करूंगा। पिछले की कक्षाओं में हमने आयत चित्र और दंडालेख के बारे में बताया था उसी में एक और चार्ट जो है हमारा पाई चार्ट है जिसकी परिभाषा जो है जब किसी एक प्रेक्षण की तुलना अन्य अथवा संपूर्ण घटकों से की जाती है तब सांख्यिकी आंकड़ों के वृत्तीय चित्र बनाए जाते हैं इसमें विभिन्न घटकों को वृत्त के अलग अलग भागों से दर्शाया जाता है संपूर्ण घटकों को वृत्त के केंद्र के 360 डिग्री कोण के समतुल्य मानकर घटक के अनुपात के अनुसार केंद्र पर कोण आंतरित किया जाता है इस प्रकार हम सर्वप्रथम वृत्त बनाकर घटकों के मान के अनुपात में कोण ज्ञात कर उसे वृत्त में दर्शाते हैं इसे निम्न उदाहरण से भी समझा जाता है वृत्त चित्र या निपाई चार्ट बनाने के प्रमुख स्टेप्स हैं चरण हैं पहला प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण परिकलित कीजिए दूसरा चरण है उपयुक्त त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए तीसरा स्टेप है केंद्रीय कोण प्रदर्शित करने वाली त्रिज्याएं या तो दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त रूप में खींचिए त्रिज्याखंडों को अलग अलग रूप देने का प्रयास कीजिए यानी जो खंड हैं त्रिज्या के उनको जो है आप अलग अलग सेड या अलग अलग कलर्स को जो है आप उनसे छायांकन कीजिए एक उदाहरण के तौर पे किसी शाला के छात्र द्वारा अपने एक दिन के कार्य में विभिन्न गतिविधियों में निम्नानुसार घंटे खर्च किए जाते हैं इस जानकारी को पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें गतिविधि और घंटे गतिविधि में आपको नींद में साला में गृह कार्य में खेल में और अन्य है और सबका सम एक योग हमने लिया है घंटे हैं नींद में आठ घंटे हैं साला में सात घंटे हैं गृह कार्य में चार घंटे हैं खेल में दो घंटे हैं और अन्य जो है तीन घंटे हैं तो हमने एक दिन को यानी चौबीस घंटे को हमने इन इन गतिविधियों में जो है बांट दिया है अब इसको हम जो है चार्ट से हमको दिखाना है तो पाई चार्ट में सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करते समय 24 घंटों के मान को 360 डिग्री मानते हुए गतिविधि के सापेक्ष केंद्र पर बने कोण का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं जो सूत्र है हमारा कि गतिविधि के घंटे गतिविधि के घंटे भाग में चौबीस क्योंकि एक दिन में चौबीस घंटे हैं और इसमें हर गतिविधि का हर गतिविधि का कितना जो है कोण है तो उसको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमको हर गतिविधि का जो है कोण मिल जाएगा हर गतिविधि का एक कोण मिल जाएगा तो गतिविधि का कोण का जो सूत्र हुआ कि गतिविधि के घंटे भागे 24 गुणे 360 जैसे नींद में है हमारा खेल में है तो जितने घंटे हैं वो घंटे यहाँ पे रखेंगे भागे 24 गुड़े 360 डिग्री इन आंकड़ों से हम जो है इसका मान जो ये पूरा ये इसकी जो मान आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलते हैं मान इस मान को हम जो है ज्ञात कर लेते हैं अब मान ज्ञात करने के पश्चात जो है गतिविधि घंटों में समय और कोड़ीमान इसको जो है हम इस प्रकार से दिखाएंगे जैसे गतिविधि जो हमारी है वो निद्रा में जो हमारे पास गतिविधियां हैं गतिविधि में है हमारा निद्रा में साला में गृह कार्य में खेल में और अन्य में हमारा एक खेल है और एक अन्य है तो गतिविधि है और इसको हम घंटों में कितने घंटे हमने हर गतिविधि को दिया है ये दिखाएंगे तो निद्रा में हमने आठ घंटे दिए हैं शाला में हमने सात घंटे दिए हैं गृह कार्य में जो है हम चार घंटे दे रहे हैं खेल में हम दो घंटे दे रहे हैं और अन्य में जो है हम तीन घंटे दे रहे हैं जब इसको हम जोड़ेंगे तो आठ सात पंद्रह चार उन्नीस दो इक्कीस तीन चौबीस टोटल एक दिन के चौबीस घंटे को हमने इन इन में बांट दिया निद्रा में शाला में गृह कार्य में खेल में और अन्य में अब हम जो है इससे मान निकालेंगे तो जो मान होगा हमारा कोड़ियमान के लिए हमने आपको जो सूत्र बताया था कि हर जैसे नींद में आठ घंटे तो आठ डिवाइडेड बाई चौबीस गुणे तीन सौ साठ बराबर एक सौ बीस डिग्री आया साला के लिए सात घंटे हैं जो सात बटे चौबीस गुढ़े तीन सौ साठ डिग्री और एक सौ पाँच आ गया इसका मान गृह कार्य के लिए जो है चार घंटा है हमारे पास तो चार बटे चौबीस गुड़े तीन सौ साठ डिग्री यानी साठ डिग्री आया खेल के लिए दो घंटा है तो दो बटे चौबीस गुढ़े तीन सौ साठ डिग्री बराबर तीस डिग्री आया अन्य के लिए हमने तीन घंटे लिए हैं और तीन बटे चौबीस गुढ़े तीन सौ साठ डिग्री बराबर पैंतालीस डिग्री आया तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हमने जो है निद्रा के लिए साला के लिए गृह कार्य के लिए खेल के लिए और अन्य के लिए मान ज्ञात कर लिया अब मान ज्ञात होने के बाद एक उपयुक्त जो है रेडियस को लेके हम जो है एक वृत्त बनाएंगे वृत्त जो है अब कोण के अनुसार वृत्त चित्र बनाएंगे सर्वप्रथम वृत्त खींचकर केंद्र को परिधि से जोड़ते हुए एक त्रिज्या खींच लेंगे और उसे आधार मानकर कोण मान के अनुसार रेखाएं खींचेंगे आप जो है वृत्त में देख सकते हैं कि हमने जो है अलग अलग जो है खंड बनाए हैं जैसे चार घंटे गृह कार्य के लिए तीन घंटे अन्य के लिए और उनके मान के आधार पर उस वृत्त को बनाया है और आठ घंटे नींद के लिए सात घंटे साला के लिए और दो घंटे खेल के लिए एक दूसरा उदाहरण है कि पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए इस उदाहरण में हमने अंक जो है लिया है और आवृत्ति ली है अंक जो है हमारा जीरो से दस है दस से बीस है बीस से तीस है तीस से चालीस है चालीस से पचास है पचास से साठ है साठ से सत्तर है सत्तर से अस्सी है अस्सी से नब्बे है और नब्बे से सौ है और हर अंक की एक आवृत्ति है जैसे दस ज़ीरो से दस वाले की एक है दस से बीस वाले की आठ है बीस से तीस की छः है तीस से चालीस की सात है चालीस से पचास की इक्कीस है और पचास से साठ की तेईस है साठ से सत्तर की उन्नीस है सत्तर से अस्सी की छः है अस्सी से नब्बे की पाँच है और नब्बे से सौ की चार है तो इस उदाहरण में भी हम हर अंक की आवृत्ति से कुल आवृत्ति को जोड़ लेंगे और हर वर्ग के लिए जैसे जीरो से दस के लिए दस से बीस के लिए 20 से 30 के लिए जो है फिर हम कोड़ी मान जो है निकालेंगे तो कोड़ी मान के लिए जो है जैसे जीरो से दस से एक है और जब सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे सारी संख्याओं को जोड़ने पे जैसे आठ एक नौ छः पंद्रह सात बाईस बाईस और इक्कीस जो है तिरालीस तिरालीस तीन छियालीस बीस जो है छाछठ छाछठ नौ जो है पचहत्तर दस पचासी पचासी चार पचासी और पांच चार नौ छ पंद्रह कुल मिला के जो आवृत्ति का सम है जो हमारा वो सौ के बराबर है जो आवृत्ति का योग है हमारा वो आवृत्ति योग जो है वो सौ के बराबर है अब इस आवृत्ति के योग से हर वर्ग की जो है हमें मान निकालेंगे जैसे हमको अगर जीरो से दस वर्ग का मान निकालना होगा तो एक बटे सौ गुणे तीन सौ साठ डिग्री इस प्रकार जो है हम यानी थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री जो है हमारा कोणीय मान होगा इसी प्रकार हम दस से बीस वर्ग का बीस से तीस वर्ग का और तीस से चालीस वर्ग का कोणीय मान यहां पे हम हर वर्ग का निकाल लेंगे कोणीय मान निकालने के बाद जब हम मान निकाल लेंगे तो कोणीय निकाल दो चीजें हैं या हम मान भी निकाल लेते हैं और परसेंटेज भी निकाल लेते हैं परसेंटेज के आधार पे भी जो पाई चार्ट है उसको हम निरूपित करते हैं परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि एक बटे सौ गुणे सौ तो इसका जो है ये एक परसेंट जो है ये जीरो से दस वाला भाग रखता है इसी तरह मान लीजिए हमको बीस से तीस वाले का दिखाना है तो बीस से तीस वाले का जो है फ्रिक्वेंसी छः है तो छः है तो छः बटे सौ तीन सौ साठ ये 20 से 30 वर्ग का जो है आपको मान बताएगा जबकि 6 बटे सौ गुणे सौ जो है इसका परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंट इसका ये आया तो हम इस प्रकार देख सकते हैं इसका जब वृत्त खींचेंगे उपयुक्त लेके तो इसका जो है ग्राफ ही आएगा जिसमें आवृत्ति जो जीरो से दस बीस से तीस तीस से चालीस और सबका परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है एक परसेंट आठ परसेंट छः परसेंट सात परसेंट इक्कीस परसेंट तेईस परसेंट जो है हम अपने फिगर में देख रहे हैं एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक सप्ताह में किसी दुकान द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या नीचे प्रदर्शित की गई है तो इसमें हम दिन लिए हैं और पुस्तकों की संख्या दिन में जो है हम रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार है और इन दिनों पे जो है कितनी पुस्तकें बिकी हैं उनकी संख्या है साठ चालीस पैंतीस पचास पच्चीस सत्तर और तीस हैं अब अगर इनको हम जोड़े पुस्तकों की संख्या जोड़े यानी कुल आवृत्ति की जो हम जोड़े तो ये आवृत्ति का योग निकालने के लिए जो है आवृत्ति योग जो है हमारा आवृत्ति योग जो है साठ चालीस सिक्सटी साठ धन चालीस धन पैंतीस धन पचास धन पैंतीस धन पचास धन पच्चीस धन सत्तर और धन तीस है जब इनको हम जोड़ेंगे तो सौ डेढ़ सौ एक सौ पचासी नब्बे दो सौ दस यानी तीन सौ दस जो है हमारा आवृत्ति का योग आया अब आवृत्ति के योग आने के बाद हम हर दिन का हर दिन का जो है कोणीय मान निकालेंगे कि वो हमारे वृत्त में कितना कोण रखता है जैसे रविवार है तो रविवार की जो है आवृत्ति जो है साठ है तो साठ है तो इसका जब हम कोणीय मान निकालेंगे तो साठ बटे तीन सौ दस तीन सौ साठ ये इसका जो है रविवार का कोड़ी मान आ जाएगा और इसका प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो साठ बटे तीन सौ दस गुड़े सौ यह आपका प्रतिशत आ गया कि कितने प्रतिशत जो है रविवार में पुस्तकों की संख्या है इसी प्रकार हम सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार का जो है कोड़ी मान हम निकाल लेंगे कोड़ीय मान निकालने के पश्चात हम जो है एक उपयुक्त रेडियस लेके जो है एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त में जो है हम अलग अलग कलर लेके अलग अलग सेड्स से लेके रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतवार शुक्रवार और शनिवार को जो है अलग अलग सेट से दिखाएंगे और उनके उस खंड को हम परसेंटेज में दिखा देंगे कि 10 परसेंट ये भाग है 19 परसेंट ये भाग है 13 परसेंट ये भाग है 11 परसेंट ये भाग है 16 परसेंट आठ परसेंट और 23 परसेंट है आपको ये कच्चा वृत्त चित्र की मुझे लगता है कि समझ में आई होगी और आप वृत्त चित्र को फिर से अपने ग्राफ पेपर पर पे बनाइए धन्यवाद नमस्कार मैं डॉक्टर पंकज सिंह सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय एन के इस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के पाठ्यक्रम 504 के माध्यक मीडियन जिसको माध्यिका भी बोलते हैं उस पर वार्तालाप करेंगे तो माध्यक की जो परिभाषा है कि आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त मध्यमान को माध्यक या माधिका कहा जाता है यानी कि हमको सर्वप्रथम आंकड़ों को जो है पहले आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है व्यवस्थित करना है व्यवस्थित करने के बाद उस आंकड़ों के मध्यमान को जो है हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं माध्यक से तात्पर्य उस मान से है जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है ताकि आधे प्रेक्षण उसके ऊपर तथा आधे नीचे हों माध्यक बंटन को दो बराबर आधों में विभक्त करता है अब पहले केस की तरफ हम जाएंगे कि जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना हम सीखेंगे इसमें जो है दिए गए आंकड़ों को उनके परिमाण के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के उपरांत मध्य प्रेक्षण के मान को आंकड़ों का माध्यक कहा जाता है अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और मान लीजिए कि प्रेक्षणों की कुल संख्या यन है अब हमने प्रेक्षणों की कुल संख्या को अगर यन मान लिया है तो यन या तो सम हो सकता है और यन या तो विषम हो सकता है अब इसमें दो स्थितियां हो गई तो स्थिति एक में जब हमारा यन जो है विषम हो तो उस केस में उसमें हम जो है माध्यक जो है एन प्लस वन बटे दोवाँ परेक्षण का जो मान होगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा यानी कि जब हमारा यन विषम है तो माध्यक जो है एन प्लस वन बटे टूवे प्रेक्षण की जो वैल्यू यानी जो मान होगा वही हमारा माध्यक होगा दूसरा जो हमारा केस है उसमें हमारा एन जब सम हो अब एन अगर सम होंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर एन हमारा सम है तो सम केस में जैसे हमारे पास आंकड़े दो तीन एक पाँच सात और चार है तो इनको हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे व्यवस्थित करेंगे तो करने पे एक दो तीन चार पाँच और सात ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया अब देखते हैं कि इनकी संख्या तीन चार पाँच छः है तो संख्या चूंकि यन छे है छः का मतलब है कि ये सम है तो हम अगर मध्य के पीछे जाएंगे तो मध्य हम देख रहे हैं कि ये तीन और चार दो टर्म हमको दो पद ऐसे मिलेंगे जो मध्य में है फिर हम इन दो पदों का जो है माध्य निकालेंगे वही हमारा माध्यक होगा यानी कि जो हमारा माध्यक होगा वो जो है एन बाई टू एन बाई पद प्लस एन बाई टू प्लस वनवा पद इन दोनों का जो है हम जब माध्य निकालेंगे यही हमारा माध्यक होगा और जब हमारा एन विषम है तो विषम वाले स्थिति में हम इसी में एक अंक और बढ़ा दिए चार के बाद हमने जो है आठ ला दिया तो यहाँ पे आठ आ गया आठ आने पे हम देख सकते हैं कि अब इनकी संख्या जो है एन बराबर सात हो गई जो कि विषम है तो विषम वाले स्थिति में हम क्या करेंगे कि तीन इधर से और तीन इधर से जब करेंगे तो एक यही चार जो है यानी एन प्लस वन यानी सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यानी जो है एट डिवाइडेड बाई टू यानी चौथा चौथा जो पद है यानी एक दो तीन ये चौथा पद जो है यही हमारा माध्यक कहलाएगा तो इस केस में जो हमारा माध्यक हो गया वो चार हो गया और ऊपर वाले में जिसमें एन छ उसमें एन बाई टूआ पद यानी कि तीसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद चार बटे दो तीन धन एक चौथा पद इन दोनों का माध्य तो तीसरा पद जो है तीन है और चौथा पद चार था तो तीन धन चार का जब माध्य निकालेंगे तो तीन दशमलव पाँच आएगा तो हम देख सकते हैं कि जब दोनों स्थितियों में जहाँ पे यन सम है और जहाँ पे अन विषम है दोनों में हमने जो है माध्यक की गणना की है एक और उदाहरण हमारे पास है कि किसी विद्यालय में दस शिक्षकों की आयु जो कि वर्षों में है दिया गया है आयु जो है वो सैंतीस वर्ष चौंतीस वर्ष बावन वर्ष पैंतालीस वर्ष पचास वर्ष इकतालीस वर्ष इकतीस वर्ष चालीस वर्ष छत्तीस वर्ष और पचपन है अब उनकी माध्यक आयु ज्ञात करना है तो हम पहला काम ये करेंगे कि आयुओं को जो है आरोही क्रम में लगा देंगे आरोही क्रम में लगाने पे हमको इकतीस चौंतीस छत्तीस सैंतीस चालीस इकतालीस पैंतालीस पचास बावन और पचपन ये हमने आरोही क्रम में लगाया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आयुओं की संख्या है वो दस यानी सम है तो अतः जो बंटन हमारा है उसके मध्य में सम है तो एन बाई टू यानी कि दस बटे दू पांचवा टर्म और जो है एन बाई टू प्लस वन यानी छठवां टर्म पांचवां और छठवां जो टर्म होगा उनका जब हम माध्य निकालेंगे वही हमारा माध्यक होगा तो जो हमारा पांचवा टर्म है वो चालीस है और जो छठवां टर्म है वो इकतालीस है तो चालीस तथा इकतालीस का जब हम मध्य निकालेंगे तो वो हमारा चालीस दशमलव पांच आएगा और यही चालीस दशमलव पांच हमारा जो है इस आंकड़े का माध्यक होगा दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि, कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रन जो है पंचानवे चालीस दो पचपन दस अड़तीस तैंतीस बाईस जीरो अट्ठारह और आठ हैं तो माध्यक रन ज्ञात कीजिए तो इसमें क्या करेंगे कि हम रनों को अवरोही क्रम में लगाने पर हमें प्राप्त होता है जैसे हम रन को चाहे तो आरोही या अवरोही में कर सकते हैं पिछले उदाहरण में हमने आरोही क्रम में लगाया और इस उदाहरण में हम अवरोही क्रम में कर जब हम अवरोही क्रम में करेंगे तो पंचानवे पचपन चालीस अड़तीस तैंतीस बाईस अट्ठारह दस आठ दो और जीरो यह और वही क्रम में हमारे रन लग गए अब यहाँ पर जो है आंकड़ों की संख्या जो है वो ग्यारह है यानी विषम है तो यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ये बार जो हमारा प्रेक्षण जो मान होगा वही हमारा माध्यक रन होगा तो जब हम इसमें देखेंगे तो माध्यक रन जो है हमारा जो ग्यारह धन एक बारह बटे दो यानी छठवां, छठवां प्रेक्षण जो है इसमें बाईस है और बाईस ही हमारा हो जाएगा माध्यक रन दूसरा जब हमारा आंकड़े जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हो यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना इसमें जो है किसी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए चरण है पहला चरण क्या है कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग है संचयी बारंबारता क्या होती है एक बार हम इसको आपको बता दें तो संचयी बारंबारता जो हमारे बंटन की बारंबारता है जैसे हमारे पास ये दस बारह पंद्रह अट्ठारह बीस और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो दो तीन एक चार छः है तो संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं संचयी बारंबारता में ये दो फिर दो धन तीन पाँच फिर पाँच धन एक छः फिर छः और चार दस फिर दस और 6 सोलह यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम फिर उसकी अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ते जाते हैं फिर उसको अगली फ्रीक्वेंसी से और इस प्रकार हमको यह ज्ञात बारम्बार्ता इसमें है कि संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग होता है फिर बारंबारताओं का योग जो है हमारे पूरे आंकड़ों की संख्या को बताएगा यानी वो पूरा यन को रिप्रेजेंट करेगा एक उदाहरण जैसे हमने दिया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए तो इसमें हमने तीन कॉलम बनाया है एक प्राप्तांक एक विद्यार्थियों की संख्या एक जो है संचयी बारंबारता। तो जिसमें हमने प्राप्तांक बताया है प्राप्तांक में हमारे पंद्रह सत्रह अट्ठारह बीस बाईस पच्चीस हैं और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो छः पाँच दस आठ सात और तीन है जिनका योग जो है थर्टी नाइन यानि उनतालीस है अब जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या जो यफ हमारा आवृत्ति है उससे निकालेंगे तो छः फिर छः पाँच ग्यारह फिर ग्यारह दस इक्कीस इक्कीस आठ जो है उनतीस उनतीस सात छत्तीस और छत्तीस जो है के साथ तीन मिल के उनतालीस यानि ये एन के बराबर आ जाएगा अब जब हम इसका जो है माध्यक निकालेंगे तो हमारी संख्या उनतालीस हो गई यानी ये विषम है और विषम में हमने बताया कि जब हमारी संख्या विषम होगी तो विषम वाली स्थिति में एन प्लस वन यानी जब एन हमारा विषम है तो एन प्लस वन बाई टूवा पद कौन सा है तो एन प्लस वन टूआ जाएंगे तो उनतालीस धन एक बटे दो यानी बीसवा पद कौन सा है तो हम जब संचयी बारंबारता में देखेंगे तो जो 21 संचयी बारंबारता में जहां पे 21 लिखा हुआ है उसमें हमारा ये 20 वाला जाएगा क्योंकि 11 है और 11 के बाद सीधे 21 आ जा रहा है यानी 20 जो है हमारा उसी 21 वाले में है और उस 21 वाले का जो प्राप्तांक है वो अट्ठारह है तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा माध्यक बराबर अट्ठारह तो अट्ठारह हमारा यहाँ पे माध्यक हो जाएगा दूसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यम यानी कि हमारा जो बारंबारता बंटन है वो वर्गीकृत है तो उसका माध्यम के लिए हम क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता परिकलित कीजिए तथा उस वर्ग अंतराल का पता लगाइए जिसमें माध्यक स्थित है इसमें क्या करेंगे कि हम फिर n को ज्ञात करेंगे और एन बाई टू एन अगर सम है या विषम है उसके अकॉर्डिंग हम ये ज्ञात करेंगे कि किस वर्ग में हमारा जो है माध्यक या माध्यिका स्थित है उस कक्षा को उस वर्ग को हम बोलेंगे कि ये माध्यक की कक्षा है और उसकी आवृत्ति को जो है हम बोलेंगे कि ये माध्यक कक्षा की आवृत्ति है अब जो है जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित है उस वर्ग की निचली सीमा को हम एल से प्रदर्शित करेंगे और निर्धारित करेंगे कि एल का क्या मान है उसके बाद संचयी बारंबारताओं के परिकलन से जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित होगा उसकी सही निचली सीमा से नीचे वाली बारंबारताओं का योग जिसको हम कैपिटल यब से प्रदर्शित कर रहे हैं ज्ञात करेंगे जिस वर्ग में माध्यक स्थित होगा उसकी आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे अब जो है एक उदाहरण हमने लिया जिसमें तीन कॉलम हैं प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता। प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल जो है उसमें तीस से चालीस चालीस से पचास पचास से साठ साठ से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 है और विद्यार्थियों की संख्या जो है एक तीन आठ पंद्रह दस नौ और चार है जिनका टोटल योग जो है पचास है पचास यानी कि हमारा ये सम है तो अगर हमारा ये एन सम है यानी पचास जो संख्या सम है तो यानी एन बाई टूवा पद और एन बाई टू प्लस वनवा पद तो इसमें हम देखेंगे कि पच्चीसवाँ और छब्बीसवाँ पद कहाँ लाई कर रहा है तो जब हम देखेंगे तो संचयी बारंबारता में पच्चीसवां और छब्बीसवाँ जो पद है जहां संचयी बारंबारता 27 है 27 है उसी वर्ग में लाई कर रही है तो 60 से 70 वाला जो वर्ग हुआ यही हमारा माध्यक कक्षा हुआ इस कक्षा को जो है हम माध्यक कक्षा बोलेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को इसकी आवृत्ति को जो कि पंद्रह है इसको हम बोलेंगे कि माध्यक कक्षा की आवृत्ति यानी कि इस कक्षा को जो है हम बोलेंगे माध्यक कक्षा और इसकी फ्रिक्वेंसी जो पंद्रह है इसको हम बोलेंगे एफ और एल जो है हमारा इसी माध्यक कक्षा का जो है सीमा यानी इसको हम बोलेंगे एल इस सिक्सटी को जो हम बोलेंगे एल है अब जो है किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए जो माध्यक का हमारे पास सूत्र है वो निम्न प्रकार से है माध्यक बराबर एल यानी कि माध्यक कक्षा की निम्न सीमा प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ एन जो है हमारे आंकड़ों की संख्या हो गई और एन बाई टू माइनस एफ एफ जो है हमारा संचयी बारंबारता उस माध्यक कक्षा के पहुंचने तक जो हमारी संचयी बारंबारता है उसको हम यब से डिनोट करेंगे डिवाइडेड बाई एफ एम यानी इस माध्यक कक्षा की जो है आवृत्ति को हम बोलेंगे एफ एम इंटू हाइट हाइट ऑफ द क्लास यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी ऊंचाई कितनी है वही अच्छा है जब हम इस सूत्र में इस उदाहरण को रखेंगे तो एल एम जो हमारा है वो साठ है प्लस एन बाई टू यानी ये पच्चीस है और संचयी बारंबारता जो है हमारी टिल वहाँ तक जाने में जो है संचयी बारंबारता हमारी बारह है तो ये बारह हो गया और हमारा जो एफ है एफ जो हमारा पंद्रह है यानी कि माध्यक कक्षा जो है हमारी उसकी आवृत्ति जो है पंद्रह है और इसकी ऊंचाई जो है दस है इस वर्ग की ऊंचाई जो है दस है तो हम फिर जब इसको हल करेंगे तो ये साठ धन ये हो जाएगा तेरह गुणे दस बटे पंद्रह और इसको हल करने के पश्चात जो है हमको मिलेगा छब्बीस बटे तीन और जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमको 68.67 ये वैल्यू हमको मिलेगी तो माध्यक जो है हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम इस सूत्र से जो है लगा लेंगे धन्यवाद